हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीएसपी इंस्टीट्यूट। तो आज मैं इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग की एक नई सीरीज लेके आया हूँ। इसके अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा रिगार्डिंग वेक्टर कैलकुलस, जो एक वेक्टर कैलकुलस एक सेपरेट टॉपिक है इसके अंदर। सो मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा जो कि आपको मशीन लर्निंग के अंदर काफी कारगर साबित होंगे आपके लिए। सो वन बाय वन मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, फिर उसके ऊपर उससे एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो प्लीज आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ में अंत तक, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक स्केलर पॉइंट फंक्शन के साथ में। स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन जो है वो क्या है? इफ टू एवरी पॉइंट, अगर अपने पास में एक्स वाई जेड कुछ पॉइंट्स है कोई रीजन आर के अंदर, सो ये कहाँ पर है, ये बिलोंग कर रहे हैं आर के साथ में। तो आपके पास में कोई रीजन है आर, उससे आपने तीन पॉइंट निकाले एक्स वाई जेड। सो इफ देयर एग्जिस्ट ए स्केलर फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन मैं नहीं बोलूंगा अभी इसको, इफ देयर एग्जिस्ट समथिंग लाइक दिस एक्स वाई जेड, सो वॉट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड स्केलर पॉइंट फंक्शन। वॉट इज कॉल्ड स्केलर पॉइंट फंक्शन, ओके? सो एग्जाम्पल के लिए मैं ये समझ सकता हूँ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और जेड, इस तरीके से मैं इसको समझ सकता हूँ। और भी इसके एग्जाम्पल मैं लेके समझ सकता हूँ, जैसे कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस जेड एक्स वाई, सो इस तरीके से, ठीक है? तो ये हो गया अपना स्केलर पॉइंट फंक्शन। अगला है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेशन, अगला है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो ये क्या है? द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय डेल, ये इसका सिंबल होता है, एंड इज डिफाइंड एज, सपोज इसको हम डिफाइन करना चाहते हैं तो डो बाई डो एक्स आई प्लस डो डो बाई, सॉरी दिस इज डो, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, सो दिस इज डो ओनली प्लस डो बाई डो वाई अलोंग विथ वाई कैप प्लस डो बाई डो जेड अलोंग विथ के कैप, वेयर आई जे के आर द यूनिट वैक्टर, आई जे एंड के कैप आर द यूनिट वैक्टर। किसके अलोंग है? कोऑर्डिनेट एक्सेस के अलोंग है, जैसे कि आई हो गया एक्स एक्सेस के अलोंग, वाई हो जे हो गया जे जे हो गया वाई एक्सेस के अलोंग और के हो गया जेड एक्सेस के अलोंग, सो अलोंग विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, मतलब इसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं बेसिकली। तो ग्रेडियंट कहाँ बोलेंगे इसको, इसको कर्ल कहाँ बोलेंगे, हम ये थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि तभी अपनों को समझ में आएगा इसके कितने फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? बेसिकली इसके तीन तीन टाइप्स होते हैं, ग्रेडियंट हो गया, कर्ल हो गया और एक और हो गया इसका जो डाइवर्जेंस, ठीक है? तो ये कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज होता है मैं इसको समझा रहा हूँ आपको, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट इसका फर्स्ट नंबर पे है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर स्केलर पॉइंट फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो ये क्या है? इफ हमारे पास में ये है, ठीक है, ये अपना स्केलर वैल्यूड फंक्शन है अपने पास में, ठीक है, सॉरी स्केलर पॉइंट फंक्शन अगर ये है, देन ग्रेडियंट ऑफ दिस, अगर मैं इसका ग्रेडियंट करूं तो उसको हम डिनोट करेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई, एंड इज डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे, सपोज ये हमारे पास में है तो हम इसको डिफाइन कर देंगे, इसके लिए हमें पता है डो बाई डो एक्स आई, ऊपर मैंने बताया था आपको डो बाई डो वाई जे प्लस डो अपॉन डो जेड के मल्टीप्लाइड बाय फाइव, एंड वी कैन टेक फाइव वैल्यू ऑफ एनीथिंग, सो फाइव विल बी मल्टीप्लाइड इनसाइड, सो व्हाट इट विल बी, इट विल सीम्स लाइक दिस,
ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस प्लीज डू कमेंट. ओके, तो ये हो गया अपना. इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई भी बोलते हैं इसको, बेसिकली ग्रेडियंट बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट. ग्रेडियंट इसका दूसरा नाम है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन. इफ अब देखो इसके अंदर भी दो तीन चीजें हैं. क्या है? पहली चीज है कि अगर नोट करने वाली बात है, मैं इसको रेड कलर से डिनोट कर देता हूं. ठीक है, इफ आपका जो ये है एक्स वाई जेड इक्वल टू सी, अगर ये है रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ अ सरफेस. अगर ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, देन जो इसका ग्रेडियंट होगा इज अ नॉर्मल टू द सरफेस, वो होगा नॉर्मल टू द सरफेस. सो इज नॉर्मल टू द सरफेस, ये आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि सेकेंड जो पॉइंट है वो हमारा है द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इज एन एन कैप. जो हमारे पास में यूनिट वेक्टर है जो कि नॉर्मल है सरफेस के साथ में, वो है एन कैप, और उसे हम डिफाइन करते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई. मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, जिसको हम मॉड्यूलस भी बोलते हैं इसको. ठीक है, सो ये हो गया आपका सेकेंड. फिर थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई. डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ डी इज गिवन. तो उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे? ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट एन कैप. ठीक है, वेयर एन कैप हमें पता ही है कि एन कैप क्या हो जाएगा, इक्वल टू डी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ डी. ठीक है, वेक्टर डी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर डी. सो ये होगी अपनी थर्ड प्रॉपर्टी. एक बार फिर से बता देता हूँ, जो डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ फाई है इन द डायरेक्शन ऑफ डी फाई, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है, बेसिकली उसके साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालना है, एन कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और जो अपना एन कैप है इस पॉइंट पे हो जाएगा डी फाई. और जो यूनिट वेक्टर है नॉर्मल का वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, वो हो जाएगा अपना इस तरीके से. तो ये एक तरीके से यूनिट वेक्टर बोल देता हूं मैं इसको, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस. ठीक है, ये पॉइंट्स आप याद रखते रहिए, तो मैं आगे जिस तरीके से आएंगे इनके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपनों को और भी समझ में आएगा. अब कह रहा है कि अगर तुम्हारा फाई वन है वो एक्स वाई जेड, वो अगर सी है, और फाई टू एक्स वाई जेड इक्वल टू सी टू है, ये सी वन हो गया, सी टू हो गया, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ सरफेस को. दीज आर इक्वेशन ऑफ सरफेस. अगर ये इक्वेशन ऑफ सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन द एंगल बिटवीन टू सरफेस, जो एंगल होगा इनके बिटवीन, इन टू सरफेस के बिटवीन, एंगल बिटवीन टू सरफेस, बेसिकली इट विल बी कॉस थीटा ग्रेडियंट ऑफ फाई वन डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई टू डिवाइडेड बाई ग्रेडियंट ऑफ फाई वन ग्रेडियंट ऑफ फाई टू. आप ये सोच रहे हो कि यार ऐसा क्यों? अब थोड़ा सा आप वैक्टर समझने की कोशिश करिए कि वैक्टर के अंदर हम क्या करते थे. कॉस थीटा इक्वल टू ए वैक्टर बी वैक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर, मॉड्यूलस ऑफ ए वैक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वैक्टर, कुछ इस तरीके से करते थे. अब यहां समझिए, ये फाई वन क्या है? एक स्केलर है. फाई टू क्या है? एक स्केलर है. अब इसका ग्रेडियंट निकालने का मतलब क्या है कि हम इसको
वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे हमने इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, इसका एंगल निकाल सकते हैं। बस एज सिंपल एज इट इज, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना भाई। हमारे पास में एक इक्वेशन है जो कि स्केलर के अंदर है, और हमने उसको वेक्टर के अंदर कन्वर्ट किया, और वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करके उसका हमने उसके बिटवीन जो एंगल था हमने निकाल लिया, दैट्स इट। ऊपर भी अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर क्या था, हमारे पास में फाई दे रखा था, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है इसका, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, और फिर बाद में इसका यूनिट वेक्टर, इसके साथ में डॉट वेक्टर निकाल देना है, किसके डॉट प्रोडक्ट निकाल देना है इसको एन कैप के साथ में। एन कैप कुछ नहीं है, जो आपका डायरेक्शनल वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर है बेसिकली, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से हम इसको करते हैं। और यहां पर भी देखिए, आपको एक दे रखा है कुछ इस तरीके से, फाई दे रखा है, ठीक है। आपको एक स्केलर दे रखा है, और स्केलर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो कुछ नहीं करना भाई, पहले तो इसको वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, और फिर बाद में अपन इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। बस भाई बहुत आसान है, थोड़ा सा आप अगर टाइम दोगे यहाँ पर तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक एक क्वेश्चन समझते हैं और फिर बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, सरफेस है हमारा, इक्वेशन है, सरफेस इक्वेशन है ये, इक्वल टू 4 किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट -1 -1 2। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को समझेंगे कि यार ये कौन सी इक्वेशन है, ये है स्केलर इक्वेशन। पहले तो हम फाई एक्स वाई जेड निकाल लेता हूं मैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई क्यूब जेड क्यूब -4। यहां तक समझ में आया, ये तो हो गया हमारा आपका फाई एक्स वाई जेड, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखिए, अब चूंकि मेरे को क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। अब यूनिट वेक्टर के लिए सबसे पहले हमें तो इसको किसके अंदर चेंज करना पड़ेगा, वेक्टर के अंदर चेंज करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर तभी ना निकलेगा जब मैं वेक्टर के अंदर चेंज करूंगा, फिर ही तो फिर इसका मैं यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ऊपर लिखा ही था मैंने, एन कैप इक्वल टू कोई भी जैसे वेक्टर है तो ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। लेकिन ये अभी तक स्केलर फॉर्म में है, तो सबसे पहले मैं इसको वेक्टर फॉर्म में बदलूंगा, किस तरीके से, ग्रेडियंट ऑफ फाई के साथ में निकालकर इसको कन्वर्ट कर दूंगा वेक्टर के अंदर, ठीक है। और फिर बाद में आसानी से इसका क्या निकाल लूंगा, मैं यूनिट वेक्टर निकाल लूंगा। तो सबसे पहले अपन यही करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालते हैं। अब मेरे को पता है ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होता है, डो अपॉन डो एक्स आई प्लस डो अपॉन डो वाई जे प्लस डो अपॉन डो जेड के मल्टीप्लाइड विथ फाई। अब देखिए, ये फाई है अपने पास में, एक्स वाई क्यूब जेड क्यूब -4। अब इसको यहां पर रिप्लेस कर दो, डो एक्स फाई आई प्लस डो अपॉन डो वाई फाई जे प्लस डो अपॉन डो जेड फाई के। ये हमने तीन ये चीज कर दिया। अब देखिए, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये बेसिकली डो अपॉन डो एक्स फाई पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो मैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेता हूं इस इक्वेशन का, एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर इस -4, बेसिकली ये हो जाएगा। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो वाई क्यूब और जेड स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा, और ये हो जाएगा 0। सही से कर देता हूं मैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो डी अपॉन डी एक्स करना है मेरे को बेसिकली इसका, तो ये हो जाएगा वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका ही पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई करना है मेरे को, तो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स और जेड स्क्वायर ऐसे कैसे, ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं इसको जेड के रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई क्यूब 2z, ठीक है, और ये लास्ट में 0 हो जाएगा। तो इसको मेरे को यहां पर रिप्लेस करना है, इस जगह पर, इन सब की जगह पर इसको रिप्लेस करना है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड रुकिए, इन जगह पर मेरे को इसको रिप्लेस करना है, तो कर दो। तो सबसे पहला हो जाएगा वाई क्यूब जेड स्क्वायर आई प्लस 3 वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका जे प्लस 2 एक्स वाई क्यूब जेड के, ठीक
ठीक है। अब मेरा ये क्या आ गया, ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब ग्रेडियंट ऑफ फाई आ गया, मेरे को यूनिट वेक्टर किस पॉइंट पे निकालना था, पॉइंट अपनों को गिवन था, एक सेकेंड, पॉइंट अपनों को गिवन था 1, सॉरी -1, -1, 2। तो यहां पर रिप्लेस कर दो इसको। तो सबसे पहले ये हो जाएगा, अगर मैं जैसे ही रिप्लेस करूंगा, डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, -4i +3 -1 1 4j +2 -1 -1 और 2 ये k कैप। ठीक है, ये j i ये कैप के साथ में बोलना चाहिए, हालांकि आप मैं बोल नहीं रहा हूं तो सॉरी फॉर दिस। फिर हो गया ये ग्रेडियंट ऑफ फाई एट -1 -1 2 एट पॉइंट दिस, इट विल बी -4i प्लस सॉरी -12j +4k। ये अपने पास में हो गया वेक्टर फॉर्म में, वो था स्केलर फॉर्म में, अब मेरा आ गया वेक्टर फॉर्म में। अब मेरे को क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर तो बहुत आसान होता है, मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर के लिए क्या करना पड़ता है, एन कैप इक्वल टू ए वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। तो सबसे पहले मैं इसका मॉड्यूलस निकाल लेता हूँ। सो मॉड्यूलस ऑफ दिस वेक्टर विल बी, ये बेसिकली एक वेक्टर ही है ना, तो इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, -4 की स्क्वायर प्लस -12 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर, बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की होल रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है अपना मॉड्यूलस। तो इसके अंदर से हमने 4 कॉमन ले लिया और ये बेसिकली इस तरीके से हो गया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, आप एक बार करके देख लीजिएगा ठीक है इसको। तो ये हो गया इसका मॉड्यूलस और अपना मेन वेक्टर। अब मैं लिख देता हूँ एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू -4i -12j j कैप +4k कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 एंड स्क्वायर स्क्वायर रूट 11। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं देखो आपके लिए क्वेश्चन नंबर टू, आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ जहां पर इक्वेशन है ये, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करना। तो हमारी सरफेस जो इक्वेशन है वो ये है, ठीक है, इक्वल टू 3। तो 3 को इधर ले आओ तो ये बेसिकली ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। तो स्केलर जो फंक्शन है हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 3xyz -3। तो बेसिकली ये इक्वेशन हो गई। अब देखो ये कह रहा है यूनिट वेक्टर निकालना है, तो कुछ नहीं करना, पहले तो स्केलर को वेक्टर में बदलो, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालो, ठीक है, स्केलर को वेक्टर में बदल के और फिर बाद में अपना यूनिट वेक्टर वाला फंक्शन लगा देना, यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये फंक्शन लगा कर और आप निकाल लोगे आसानी से। सो एज इट इज, अच्छा पॉइंट भी दे देता हूँ मैं, किस पॉइंट पे निकालना है, 1 2 -1, ठीक है, इस पॉइंट पे निकालना है। तो ये बहुत ही आसान है गाइस, थोड़ा सा अगर आप पेशेंस मारकर इसको देखोगे तो बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा मैं इसका सॉल्यूशन भी लिख देता हूँ आपके लिए ऊपर वाले का। इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा -3i i कैप +9j कैप +6k कैप डिवाइडेड बाय 3√14, ठीक है, ये इसका हो गया सॉल्यूशन। अब कह रहा है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव में मैंने बताया था आपको कुछ नहीं करना, आपको ये करना है बेसिकली डॉट एन कैप करना है, ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। अच्छा पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ आपके लिए। तो कह रहा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो किस इक्वेशन की, हमारे पास में एक्स वाई जेड जो है वो है इक्वल टू YZ² प्लस XY³, कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट 2 -1 और 1, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। हमें एक और वेक्टर दे रखा है डी वेक्टर इक्वल टू i+2j+2k कैप, ठीक है। देखो ये एक स्केलर वेक्टर है इस पॉइंट के ऊपर, इसकी डायरेक्शन निकालनी इसके साथ में, तो हमें कुछ नहीं करना। देखो हम डायरेक्शन निकालते हैं ना, हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर हमें, हमारे पास दो इक्वेशन, दो वेक्टर है ए एंड बी, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी है तो हम क्या करते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए, सिर्फ ए डॉट बी कर देते हैं। तो ये हमारे यूनिट वेक्टर ऑफ दिस, नॉट डायरेक्टली, बेसिकली इसका यूनिट वेक्टर निकालकर मैं
गलत कर दिया हूँ, ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी, तो मैं उसको एन कैप से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और एन कैप अगर मैं एन कैप को बताऊं तो एन कैप हो जाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ बी, दिस इज नथिंग मॉड्यूलस ऑफ बी, ठीक है। सो सेम इसी के साथ में ऐसा होगा, ये देखो अपने पास में स्केलर है, तो सबसे पहले हमें इसको वेक्टर में चेंज करना पड़ेगा, वेक्टर में चेंज करने के लिए ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है, एट पॉइंट दिस, और फिर बाद में इसका हम यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए के बाद में उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे हम, ठीक है। तो एज सिंपल एज इट इज, बहुत ही सिंपल है गाइस, इतना कुछ हार्ड है नहीं इसके अंदर। तो देखते हैं कैसे हम करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन हमने लिखी थी, अब उसका हम ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या हो जाएगा, डी एक्स फाई आई हो जाएगा प्लस डी अपॉन डो वाई फाई जे कैप प्लस डो अपॉन डो जेड फाई के कैप, ठीक है। ये अपने पास में अलग अलग उसका ग्रेडियंट ऑफ फाई हो गया, ठीक है। अब मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ अपनी, फाई जो है वो है वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब। तो देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लगाता हूँ, एक्स के रेस्पेक्ट में किया, एक्स के रेस्पेक्ट में किया, ये तो हो गया जीरो, ठीक है, ये वाला टर्म हो गया जीरो, और इस वाले टर्म में क्या बचा वाई क्यूब, तो यहाँ पर मैं सीधा वाई क्यूब लिख दूँ, वाई क्यूब आई, ठीक है, वाई की टर्म में किया तो ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। ये किस कौन सा पॉइंट हो गया इसके साथ में जे क्या, और फिर बाद में अपना एट लास्ट जेड के रेस्पेक्ट में किया, तो ये वाला टर्म तो हो गया जीरो क्योंकि इसके अंदर जेड है नहीं, और बाकी ये सब कांस्टेंट कैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट कैसे ट्रीट किए जाएंगे, तो ये हो जाएगा टू वाई जेड के क्या, ठीक है। अब देखिए हमें ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है एट पॉइंट व्हाट, एट पॉइंट टू माइनस वन वन। अब देखो एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू आप ये डाल दो, ठीक है, तो जो आपका मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन आपकी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस आई कैप प्लस सेवन जे कैप माइनस टू के कैप, ये मैंने डायरेक्ट इक्वेशन लिखी। और इसके बाद में अब चूंकि मैंने बताया एक, अब ये क्या है, इसको मैं लिख देता हूँ ए वेक्टर, ठीक है, और डी वेक्टर हमें गिवन है जो कि किसकी डायरेक्शन में, देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी वेक्टर जो दे रखा आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप, तो इस डायरेक्शन में निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए कैप ए ए वेक्टर, इसको हम ए वेक्टर दे देते हैं, और जो डी वेक्टर है वो हो जाएगा आई प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप, इसके उसमें निकालना है। तो अभी अभी मैंने बताया था डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ए वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर का, ठीक है। सो सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूं मैं, तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू डी अपॉन लैम्डा, वो सॉरी मॉड्यूलस ऑफ दिस डी, सो मॉड्यूलस ऑफ डी निकाल लेता हूं बेसिकली मैं, पहले तो मॉड्यूलस ऑफ डी हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस फोर प्लस फोर, सो दिस इज नथिंग एट नाइन थ्री, दिस इज इक्वल टू थ्री, एंड इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ इसके साथ में टू के डिवाइडेड बाय थ्री, और ये हो गया अपना यूनिट वेक्टर। सो अब देखो ए यहाँ पर अपना, ये तो ए हो गया और ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो बेसिकली। सो डॉट प्रोडक्ट निकालने जाएंगे हम, तो कुछ नहीं करना अपने को, डॉट प्रोडक्ट निकाल देना है, माइनस आई कैप प्लस सेवन जे कैप माइनस टू के कैप, ठीक है, डॉट वन अप वन बाई थ्री इसको बाहर ले लेते हैं, आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप, ठीक है। अब देखिए हमें एक बात पता है आई डॉट आई, ठीक है, अगर मैं सेम उसका करूंगा तो इसको खोलूंगा तो क्या हो जाएगा आई डॉट आई कॉस थीटा, और चूंकि इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा वन हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। सो आई डॉट आई बेसिकली वन होता है, ठीक है, और आई डॉट जे या के कुछ भी बोलूं मैं, या फिर जे डॉट के या कुछ किसी और के साथ में जो नॉन सिमिलर टर्म्स है उनका अगर डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो वो 0 होता है बेसिकली, ठीक है। तो मैं सिर्फ आई वाले टर्म्स को एक साथ करता हूँ, बाकी सबको 0 कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर आई डॉट आई हो जाएगा अपना
माइनस वन प्लस ये जे डॉट जे वन हो गया और ये हो जाएगा 14, और यहाँ पर ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 1/3, और एट लास्ट हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज नथिंग जस्ट इक्वल टू 3। तो बेसिकली क्या आया, ए वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर इक्वल टू 3। सो डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज 3 ओनली। मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ जो मेरा फाई था इन डायरेक्शन ऑफ फाई इन वेक्टर इसकी डायरेक्शन में जो थी वो 3 थी। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, मेरी वीडियो का रेफरेंस लेकर एक और क्वेश्चन आप ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा खुद से। तो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन है अपना फाई है एक्स जेड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एट पॉइंट 1 -1 और 1। ठीक है, और जो डायरेक्शनल वेक्टर है किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ही निकालनी है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इसका ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमें क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आई जे कैप प्लस के कैप इस डायरेक्शन में निकालना है। तो डायरेक्शनल वेक्टर निकालना है इस स्केलर का इस पॉइंट के ऊपर। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो आपको आंख मीच कर स्केलर को वेक्टर में बदलना है, जो कि है आपका ग्रेडियंट ऑफ फाई, उससे आपने वेक्टर में बदल लिया उस इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, और फिर बाद में आपको जो भी आए उसको ए कंसिडर कर लो, और आप ए वेक्टर डॉट एन कैप कर दो, और एन कैप कुछ नहीं है आपका, इसका यूनिट वेक्टर निकाल दो आप। ठीक है, डायरेक्शनल वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दो। तो ये हो गया अपना आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और फिर बाद में उनका डॉट प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, सो ये हो गया आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। बेसिकली देखिए एक क्वेश्चन है आपका, उसको अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके से सॉल्व हुआ है। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है डायरेक्शनल डेरिवेटिव में तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको फिर से एक बार अलग सेपरेट वीडियो बनाकर इसको समझा दूंगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है जो कि मॉडल क्वेश्चन पेपर के अंदर भी है, मैं लिख देता हूँ पहले। तो क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, फाई का रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है, जो कि फाई एक फंक्शन है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है, जो कि है एक्स वाई जेड, इन दी डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस, और अपने पास में सरफेस है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई जेड स्क्वायर इक्वल टू 3 एट एट द पॉइंट 1 1 1 है। ठीक है, सो हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेट फाई साई इक्वल टू सी। सो एन कैप बेसिकली हमें पता ही है, ग्रेडियंट ऑफ फाई डिवाइडेड बाय ग्रेडियंट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, सो हमारे पास में वही चीज है, लेकिन इस बार जो उसका टर्म है वो बेसिकली वेक्टर में, डायरेक्शन भी वेक्टर के अंदर ना देकर हमें स्केलर के अंदर ही दी है। तो सबसे पहले आप वेक्टर के अंदर उसको चेंज कर लो, सबसे पहला काम आपका वही है कि आप उसको वेक्टर के अंदर चेंज करें, और फिर बाद में आगे आप काम करें, और आगे तो आपका सेम प्रोसीजर है। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमारे पास में पहली जो इक्वेशन है फाई जो हमें दे रखा है, वो दे रखा है एक्स वाई जेड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मांगा है। तो बेसिकली आपका जो डेरिवेटिव होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है, वो क्या होता है, डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ ही तो होता है। तो क्या बोल रहा है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव मांग रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। गाइज यहाँ पर फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, तो ये क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ही तो है, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव का आपको फॉर्मूला पता ही है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, ये बिल्कुल सेम है, कुछ नया इसके अंदर नहीं निकल के आया है। हमारे पास में फाई दे रखा है, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई की मदद से आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैं इसको डायरेक्ट आपके लिए लिखते जा रहा हूँ, एक्स फाई आई आई कैप डो अपॉन डो वाई
फाई जे कैप प्लस डो फाई अपॉन डो जेड के कैप, ठीक है। और जब मैं इसको करूंगा तो मैं डायरेक्टली आपके लिए लिख देता हूँ, आप खुद से भी एक बार करके देख लेना। तो ये हो जाएगा वाई जेड आई प्लस एक्स जेड जे प्लस एक्स वाई के। सो अगर मेरे को वन 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 पॉइंट पे निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, आई प्लस जे प्लस के। ये हो गया हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई। बेसिकली इस इक्वेशन को हमने वेक्टर के अंदर चेंज कर लिया। अब हमने डायरेक्शनल वेक्टर भी दे रखा है, लेकिन किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में दे रखा है, तो उसको पहले हमें वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है। सो जो गिवन सरफेस है जिसके जो हमें दे रखी है, वो दे रखी है बेसिकली, मैं डी बोल देता हूँ इसको, या मैं एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई जेड स्क्वायर इक्वल टू 3 है, तो मैं 3 इधर ले आऊंगा और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका। अब इसका आप ग्रेडियंट निकाल लो, ठीक है। सो ग्रेडियंट वही तरीका है अपना, कोई और नया तरीका तो आएगा नहीं ग्रेडियंट निकालने के लिए। आई प्लस डी जे प्लस डी अपॉन जेड के क्या, ठीक है। और वो भी मैं देखो आपके लिए डायरेक्ट निकाल देता हूँ इसके लिए। इसको मैंने वैसे फाई भी बोल सकते, मैं कुछ भी मान सकता हूँ इसको, मैंने ऊपर साई माना था इसको, तो मैं यहाँ पर साई डी को रिप्लेस कर सकता हूँ, साई लिख सकता हूँ, वो समझने के लिए आपको, एक समझने के लिए मैंने वो लिखा है, ठीक है। तो आप डी इक्वल टू ये डालिए और डायरेक्टली मैं आपके लिए लिख देता हूँ 2x + y² i प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2yz सॉरी yx + z² j प्लस 2yx k क्या, ठीक है। और जब मैं इसको निकालूंगा ग्रेडियंट ऑफ d, और या फिर देखिए मैंने d को रिप्लेस कर देता हूँ, लेट ऊपर मैंने साई माना था इसको, तो मैं इसको ग्रेडियंट ऑफ साई बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये जाएगा 3i एट पॉइंट 111 के ऊपर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जाएगा 3i प्लस 4j j कैप प्लस 2k कैप। कुछ नहीं करना आपको, एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको 111 रिप्लेस करनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना ये। अब आपके पास में देखिए दोनों ही टर्म है आपके पास में, इसको मैं मान लेता हूँ b कैप और ऊपर वाले को मैं कंसिडर कर लेता हूँ a कैप। अब डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको ए कैप डॉट एन सॉरी ए वेक्टर ए के साथ में डॉट निकालना एन कैप का, और एन कैप निकालने के लिए कुछ नहीं, आपका वेक्टर बी मॉड्यूलस ऑफ ये। तो सबसे पहले यही निकालते हैं अपन, तो ऊपर तो ये आ जाएगा 3i प्लस 4j प्लस 2k कैप, और नीचे इसका हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 4, और ये हो गया 29, ठीक है। 3i प्लस 4j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 29, ठीक है। और जैसे ही आपका एन कैप आया, आपने इसके साथ में ये तो आपका आ गया एन का एन कैप, और जब आपको वो निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करोगे आप, ए कैप के साथ में इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दोगे। तो ए कैप क्या, ए सॉरी मैं ए कैप बोल रहा हूँ गाइस, ये वेक्टर ए के साथ में वो निकाल देना है, और वेक्टर ए हमारा ये है ही, हमें पता ही है, ऊपर मैंने कंसिडर किया था उसको, तो कैप प्लस 4j प्लस 2k। तो बेसिकली ये इसकी रेट ऑफ चेंज है, इस दर के साथ में मैं कह सकता हूँ कि इस रेट के साथ में वो चेंज कर रहा है अपने आप को। तो जब आप निकालोगे तो ये जाएगा 3 + 4 + 2 डिवाइडेड बाय √29, दिस इज नथिंग जस्ट इक्वल टू 9 ओनली, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ इक्वल टू 9, ठीक है। सो ये हो गया अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। और इसी तरीके से आपका वो वेक्टर भी दे सकता है, देखिए ए आपका अब वेक्टर फॉर्म में भी दे सकता है, स्केलर फॉर्म में देगा तो फाई की फॉर्म में देगा, वैसे ही डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में निकालने के लिए, जिस सरफेस की डायरेक्शन में निकालने के लिए बोल रहा है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव बेसिकली रेट ऑफ चेंज, जिसको हम रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं, तो वो भी आपको वेक्टर फॉर्म में भी दे सकता है और स्केलर फॉर्म में भी दे सकता है। तो जब स्केलर फॉर्म में दे तो आप
बिना घबराए हुए उसका ग्रेडियंट निकालते हैं, उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लें और फिर बाद में उसके साथ में डॉट लगाकर यूनिट वेक्टर के साथ में उसको निकाल लें, ठीक है? सो टिल नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू डू कमेंट, ठीक है? अब अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है एंगल निकालने। एंगल निकालना है अपने को, हमारे पास में दो वेक्टर दिए, दो स्केलर दिए हुए हैं मान लीजिए कोई पॉइंट के ऊपर, ठीक है? तो फिर उसका हम कैसे उनके बिटवीन एंगल निकालेंगे। तो हमारे पास में स्केलर वन, इसको फाई वन बोल देता हूँ मैं, वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस नाइन। बेसिकली ये इक्वेशन इस फॉर्म में है, जेड स्क्वायर इक्वल टू नाइन है, ठीक है? तो मैं इसको इसको फाइव मान रहा हूँ, तो मैं इसको नाइन को इधर ले आऊंगा और इसको पूरे को फाइव मान लूंगा, इसको फंक्शन वन मान लूंगा, तो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको कहीं ऐसे क्वेश्चन मिले तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस थ्री, ये हो गया 5 2। अब ये कह रहा है कि एट पॉइंट 2 -1 2 इसके ऊपर इसका, इन दोनों जो कर्व्स है तुम्हारे, कर्व बोल दो या फिर बाद में प्लेन बोल दो, ये बेसिकली प्लेन है एक, तो इन प्लेन्स का तुम क्या निकालो, कर्व एंगल निकालो कि वो किस, इन दोनों के बिटवीन क्या एंगल है, ठीक है? तो एंगल निकालने का हमें पता ही है फॉर्मूला, दो वेक्टर के बिटवीन अगर एंगल निकालना है तो कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी। लेकिन ये तो किस फॉर्म में है, अपने स्केलर फॉर्म में है। अब मैंने ये आपको बताया है कि जब भी आपको स्केलर फॉर्म मिले आप बिना सोचे समझे क्या निकाल दो, उसका ग्रेडियंट निकाल दो। तो ग्रेडियंट निकाल दिया आपने, ग्रेडियंट ऑफ फाई वन इक्वल टू आपकी जो पहली इक्वेशन है उसका ग्रेडियंट निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, डो फाई वन अपॉन डो एक्स आई प्लस फाई फाई वन डो वाई जे प्लस डो फाई वन अपॉन डो जेड के, ठीक है? और फिर बाद में आप उसका उसके अंदर पॉइंट डाल, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ। देखो आपको ये निकाल के देखना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4i -2j, ये इसका हो गया वेक्टर, ठीक है? फिर मॉड्यूलस ऑफ फाई टू का भी इसी तरीके से होगा, सेम फाई वन की जगह पर फाई टू आ जाएगा, और उसको भी मैं सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा 2xi कैप प्लस 2yj कैप -y कैप, ठीक है? गलत कर रहा हूँ क्या, सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया गाइस, सॉरी। लिखने में इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, जो इस पॉइंट के ऊपर जो आंसर आएगा 4i -2j कैप प्लस 4k कैप, और जो फाई टू आएगा 4i -2j कैप आ जाएगा, ठीक है? अब है आपका ये दोनों वेक्टर आ गए, बेसिकली वेक्टर फॉर्म में आ गए। अब मेरे को कॉस थीटा लगाने में कोई आसानी, बहुत आसानी हो जाएगी, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई वन डॉट, क्योंकि ये ग्रेडियंट लिखना इसलिए है क्योंकि अब वो वेक्टर फॉर्म में है, ग्रेडियंट के साथ में वो वेक्टर फॉर्म में है। सो मॉड्यूलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई वन मॉड्यूलस ऑफ मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई टू, ठीक है? तो इसका निकालना बहुत ही आसान है, 4i 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, डॉट विथ 4i -2j माइनस, एक सेकेंड, यहाँ पर माइनस के भी आना चाहिए, माइनस के भी आएगा, ठीक है? सो माइनस के क्या है डिवाइडेड बाय इन दोनों का मॉड्यूलस, तो इन दोनों का मॉड्यूलस कुछ नहीं, 16 प्लस 4 प्लस 16, और यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है? तो आप जब इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो लास्ट जो कॉस थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 16 डिवाइडेड बाय 6 अंडर रूट 21, और थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स 16 डिवाइडेड बाय 6 अंडर रूट 21। सो दिस इज सॉल्यूशन अप टू हियर, जो कि मतलब लगभग 44 डिग्री के इक्वल है, ठीक है? इन दोनों का जो एंगल है वो 42 44 डिग्री
सॉरी 44 बोल रहा हूँ, 54 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। जो अगला आपका क्वेश्चन है वो भी कुछ इस तरीके से ही है। यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं, जो इक्वेशन दे रखी है लॉग फॉर्म में दे रखी है कि आपको दो लॉग जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर -y -1, और दूसरी जो इक्वेशन दे रखी है स्केलर इक्वेशन दे रखी है वो ये दे रखी है। ये इक्वेशन, ये फंक्शन है बेसिकली, और कह रहे हैं कि इन दोनों का एंगल निकालो, इन दोनों के बिटवीन का एंगल निकालो। तो कुछ नहीं करना आपको, सारे को इधर ले आओ, इसको फाई वन मान लो, इसको फाई टू मान लो, फिर ग्रेडियंट निकाल दो, और फिर बाद में उसका कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाकर बी मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी, बहुत आसान, ठीक है। तो एज सिंपल एज इट इज, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर इतना हमें कुछ करना पड़ रहा नहीं है, और मैं इसका सॉल्यूशन भी आपके लिए लिख देता हूँ। जो कॉस थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा -1/√30, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स -1/√30, और जिसको मैं लिख सकता हूँ 100.5 डिग्री से, ठीक है। ये एंगल हो गया जिसको हम इक्विवेलेंट है, ये लगभग इक्विवेलेंट है 101 के बीच डिग्री के इक्वल है। तो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगला जो इसका सेकंड पार्ट है मैं अगली वीडियो के अंदर लेके आऊंगा, ठीक है। सो हैव अ गुड डे गाइस।